click the subscribe button. Hi friends, आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ किचन में स्वागत है. आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन की चटनी. आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं. इसके लिए मैं ले रही हूँ एक लहसुन की कली. इसमें से मैं एक चौथाई प्याज इस्तेमाल करने वाली हूँ, नमक और लाल मिर्च. सो बस चार चीजों से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी लहसुन की चटनी बनाएंगे. सबसे पहले एक बाउल में एक कप गरम पानी डाल के 10 से 12 लाल मिर्चें लेकर मैं उसे 10 मिनट तक भिगोने के लिए छोड़ दूंगी. तब तक मैं सारे लहसुन की कलियों के छिलके को निकाल के मैं ड्राई रोस्ट करूंगी 5 से 10 मिनट तक. 5 मिनट बाद प्याज को मैं काट के उसको भी फ्राई करने के लिए डाल दूंगी. प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कच्चापन चला ना जाए. इसे मैं अगर हाई फ्लेम में कर रही हूँ तो मिलाते रहिएगा, अगर मीडियम फ्लेम में हो तो बीच बीच में मिलाते रहिए. देखिए 10 मिनट हो गया है. अब मैं लाल मिर्चों के जो पानी है उसको निकाल के इसे थोड़ा सा सूखने दूंगी. देखिए ये भुन चुका है. अब मैं इसे मिक्सी में डाल के, जो लाल मिर्चें हैं आप अपने मिर्च के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च. इमली डाल रही हूँ मैं, नमक स्वाद अनुसार. अब इसे मिक्सी में पीस लीजिए. ये देखिए अब मैं इसका छौंका लगा रही हूँ. इसमें मैं 3 चम्मच तेल डाल के, राई के दाने डाल के, जो मैंने लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया है उसे 5 मिनट तक इसे तेल में अच्छे से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसे पकाइए, ताकि ये लहसुन और प्याज की चटनी 5 से 7 दिन तक स्टोर करके हम रख सकते हैं. कांच की बर्नी में या प्लास्टिक के जार में बिना पानी के इसे स्टोर करके रख दीजिए. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. कमेंट्स भी दे सकते हैं नीचे. धन्यवाद. नमस्ते.